नमस्कार दोस्तों, आज मानसून सत्र का प्रारंभ हो रहा है। गर्मी के बाद पहली वर्षा एक नई सुगंध मिट्टी में भर देती है। वैसे ये मानसून सत्र जीएसटी की सफल वर्षा के कारण पूरा सत्र नई सुगंध और नए उमंग से भरा हुआ होगा। जब देश के सभी राजनीतिक दल, सभी सरकारें सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रहित के तराजू पर तोल करके निर्णय करती हैं, तो कितना महत्वपूर्ण राष्ट्रहित का काम होता है वो जीएसटी में सफल और सिद्ध हो चुका है। ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर टुगेदर, ये जीएसटी स्पिरिट का दूसरा नाम है। ये सत्र भी उस जीएसटी स्पिरिट के साथ आगे बढ़े। इस सत्र अनेक रूप से महत्वपूर्ण है। 15 अगस्त को आजादी के 7 दशक की यात्रा हम पूर्ण कर रहे हैं। 9 अगस्त को सत्र के दरमियान ही अगस्त क्रांति के 75 साल हो रहे हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट के 75 साल का ये अवसर है। यही सत्र है जब देश को नए राष्ट्रपति और नए उपराष्ट्रपति चुनने का अवसर मिला है। एक प्रकार से राष्ट्र जीवन के अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाओं से भरा हुआ ये कालखंड है, और इसलिए स्वाभाविक है कि देशवासियों का ध्यान हमेशा की तरह इस मानसून सत्र पर विशेष रहेगा। जब हम मानसून सत्र का प्रारंभ कर रहे हैं, तो उसके प्रारंभ में हम देश के उन किसानों को नमन करते हैं जो इस ऋतु में कठोर परिश्रम करके देशवासियों के खाद्य सुरक्षा का इंतजाम करते हैं, और उन्हीं को नमन करते हुए ये सत्र का प्रारंभ होता है। इस मानसून सत्र में मुझे विश्वास है कि सभी राजनीतिक दल, सभी माननीय सांसदगण राष्ट्रहित के महत्वपूर्ण फैसले लेकर के उत्तम स्तर की चर्चा करके हर विचार में वैल्यूएडेशन करने का प्रयास, हर व्यवस्था में वैल्यूएडेशन का प्रयास हम सब मिलकर के करेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।